आज 30 मई दिन रविवार को स्याऊ तहसील के समीप शुभकामना भोजनालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के पत्रकारों एवं समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा ने पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, पत्रकारों को निष्पक्ष होकर समाचार छापने चाहिए। उन्होंने निष्पक्षता और निडरता के साथ काम करने को कहा। समाज सेवी मनोज अग्रवाल तेल वालों ने भी पत्रकारों को बधाई दी। वहीं गौरव मित्तल ने भी पत्रकारों से एकता बनाए रखने पर बल दिया। कार्यक्रम के आयोजक ठाकुर राय बहादुर आर्य ने अपने प्रतिष्ठान पर पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ठाकुर राय बहादुर आर्य ने शासन प्रशासन से चिकित्सक के बाद पत्रकारों को कोरोना वायरस की श्रेणी में रखने की अपील की। इस अवसर पर अनेक पत्रकारों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन ठाकुर राय बहादुर आर्य ने किया। इस अवसर पर नगर के पत्रकार एवं समाज सेवी मौजूद रहे। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल इन चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। तो मैं यही चाहूंगा इस पत्रकारिता दिवस के मौके पर कि आज आप ये प्रण लें कि हम जो है देश में बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, पत्रकार पत्रकार बड़े की परिभाषा का जितनी बताए। पत्रकार एक प्रेस रिपोर्टर जो इकाई है, लेकिन वो मालिकों को कोई कुछ नहीं कहता। एक साप्ताहिक अखबार को प्रारंभ करके रखी गई थी साथियों, धुंधले समय को अगर जो हमें उज्जवल बनाना है तो मेरे बड़े भाई कार्यक्रम के आयोजक ठाकुर राय बहादुर आर्य जी और इस सभागार में उपस्थित से प्यार भरा नमस्ते और आप सभी को पत्रकारिता दिवस की बहुत ज्यादा बधाई। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पत्रकार पत्रकार रहे न कि पक्षकार रहे। पक्षकार मत बनो, पत्रकार बनो, निष्पक्ष रूप से समाचार लिखो। अगर तुम्हारा मुखालिफ भी है और अगर वो सही काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो, और अपना भी है और गलत काम कर रहा है तो उसे रुकावट पैदा करो, अवरोध पैदा करो। गलत आदमी को अगर आप गलत नहीं लिख सकते तो कम से कम महिमा मंडित मत करिए, उसे मत महिमा मंडित ना करिए, उसके फोटो मत लगाइए, उसका हौसला अफजाई मत करिए। मेरे भी जैसा अपने भाई और कहा था कि गलत आदमी को आप कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत रुकावट कर ही सकते हैं। इतना लव बाकी तो एक बात कहूंगा मैं, जब किसी बहुत पुरानी बात है कविता, वो जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे और कली बेच देंगे चमन बेच देंगे, अगर कलम के मसीहा सो गए तो ये वतन के मसीहा इस वतन को बेच देंगे। आपको सच्चे इंसान है, देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, उनकी आत्मा महान होती है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं हर साल प्रयास करता हूँ चीज का कि पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। पत्रकारों का जो हमारे देश का सम्मान करता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भारत में प्रथम पंक्ति का व्यक्ति उनको मैं मानता हूँ। जिस तरह देश के अंदर राष्ट्रपति नंबर एक होते हैं, उसी तरह से समाज के अंदर पत्रकार नंबर एक। पत्रकारों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है, सरकार के लिए संदेश है, ये सरकार उनके बारे में सोचे, शासन प्रशासन उनके बारे में सोचे, ये संदेश तो उनके लिए है। और पत्रकारों के लिए संदेश ये है कि अपनी सच्चाई को कभी भी नीचे ना गिरने दें। आप लोग सच्चे इंसान हैं, आप लोग हमेशा सच्चे बने रहें।